प्रदेश की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से जारी है। रेवाड़ी के नई अनाज मंडी में भी एमएसपी पर बाजरे की सरकारी खरीद की जा रही है। करीब 20 दिनों में 70% तक बाजरे की आवक हो चुकी है। उठान प्रक्रिया धीमी होने के चलते मंडी में थोड़ी अव्यवस्था बन रही है। हालांकि मार्केट कमेटी अधिकारियों का दावा है कि उठान में तेजी लाई गई है और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसानों के बैठने के लिए किसान भवन और खाने पीने के लिए कैंटीन बनाई गई है। इसके अलावा पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगाए गए हैं और शौचालय की व्यवस्था भी मार्केट कमेटी प्रशासन की ओर से की गई है। रेवाड़ी मार्केट कमेटी के सचिव नरेंद्र यादव ने बताया कि जिले की रेवाड़ी कोचली बावल अनाज मंडी में 1 अक्टूबर से बाजरे की आवक और खरीद जारी है। रेवाड़ी में अब तक 3,54,000 क्विंटल बाजरे की आवक हुई है, जबकि बावल मंडी में अभी तक 52,700 क्विंटल बाजरे की आवक हो चुकी है। हालांकि रेवाड़ी अनाज मंडी में उठान की प्रक्रिया धीमी नजर आ रही है। कुल बाजरे का करीब 60% अभी तक उठान हो पाया है। मंडी प्रशासन की तरफ से दिन रात बाजरे का उठान कराया जा रहा है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। बाजरे की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो गई और अभी तक रेवाड़ी मंडी में जो है 3,54,000 क्विंटल बाजरा है। इसी प्रकार बावल मंडी में जो है 52,700 क्विंटल बाजरा है। और जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है तो सबसे पहले गेट पास कटवाता है फार्मर, कंप्यूटर लगाए हुए हैं दोनों गेटों पे। उसके बाद वो अपनी डेयरी को अनलोड करवाता है। बैठने के लिए किसान भवन है, खाने के लिए दोपहर का खाने के लिए जो है किसान कैंटीन है, 8 वाटर कूलर लगाए गए हैं मंडी में और बिजली पानी सफाई की पूरी व्यवस्था है। किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा या किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। उठान जो है ये वैसे एजेंसी का मैटर है, लेकिन उठान लगभग 70% उठान जो है मंडी से हो गया है, कोई समस्या नहीं होती। बाजरे का MSP 2625 रुपये है। 2625 रुपये को किसान जो है खुश होकर बाजरा बेचते हैं। कोसली की मंडी के बारे में वहाँ के सेक्रेटरी जो हैं वही बता पाएंगे। ठीक है, नहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और किसानों को पेमेंट कितने दिन में मिल रही है? पेमेंट जो है अभी तक 14 तारीख तक की पेमेंट हो गई है फार्मर की, लगभग 4-5 दिन के बाद पेमेंट हो जाती है।